हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आपको ईद तो गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। हाँ, दोस्तों के साथ कुछ आउटिंग होगी कोई तो नहीं है, बस हम भी जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं आपको भी बताते हैं। उस वक्त तो मेरे साथ मौजूद है हैदर भाई, जो इतने सस्ते पेट्रोल की लाइन में खड़े हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बच्चे, सब लोग देख रहे हैं। हमारे साथ जाने वाले दोस्तों में एक अब्दुल वहाब खान और ये उनके साथ एक और मेहमान। वहाब भाई, कहाँ जाने का इरादा है? और इसके अलावा एक शख्सियत जो जा रही है वो है ये लालू के 10 नंबर। उनके साथ ये कारी साहब से मसला होनी चाहिए, वीडियो जोड़ो। ना ना ना, कारी साहब वो जा भी रहे हैं लेकिन रजा खान के साथ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। यहाँ इस वक्त वेट किया जा रहा है पंप पर। आई थिंक कुछ दोस्त जो के पीछे रह चुके हैं, टायर तो पंक्चर है दोनों के। यहाँ जहाँ हम आए हैं इस वक्त, मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ। बेहतरीन माहौल है जैसे कि गांव में होता है। और यहाँ दोस्त जो सोच रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ नहाएंगे, नहाने के बाद खाना खाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन दिखा देता हूँ। जिस गाड़ी का इंतजार था वो शुरू हो चुका है। सारे तरसे हुए बैठे थे। ये मजमेर होगा सोने का अलग अलग। वजीर भाई, ये कौन सी बिरयानी है? ये अफगानी पुलाव है। वाह यार, तुम ये किशमिश नजर नहीं आ रही इसमें। मैंने सोचा शायद ये कोई दूसरा अलग सा नाम देगा। गुलाबी मार लगा का।
ये कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के वास्ते कुछ तरतीब सोची जा रही है। पानी चूंकि कूलर में ज्यादा, इस वजह से आई थिंक पानी कम करके उसमें बोतलें रखी जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खबर है मग बताओ पकी राजी को रहता तो हालांकि इनका मैदा भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों ये वीडियो वाचो एकदम घुस इसे। तो अकबर भाई चूंकि मेरे से आगे मुझसे कहने लगे कि आपको इस जगह के बारे में कुछ मालूम है नहीं। और मजे की बात यह भी एक उड़ती उड़ते खबर आई है कि यहाँ पे सांप वगैरह भी हैं, तो उनसे भी बच के ही रहना है। आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, शायद कोई ट्यूबवेल वगैरह उसी तरफ ही है। वाह यार, यार वीडियो बनाने का एक फायदा ये है कि फ्री में प्रमोशन भी हो रही है। फ्री एडवर्टाइजमेंट के लिए ये दोस्त हाजिर अब्दुल वहाब भाई और ये है हमारे रजा खान भाई और साथ में है इधर साहब इनामुल्ला भाई भी आए हैं, उनके साथ बराबर में है हैदर भाई और उनके साथ वहीदुल्ला भाई। तो यहाँ से इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम इस बार जाने का जो गुज़िश्ता दो सालों से यही प्लानिंग की जा रही है, इरादे यही है कि स्वाद टूर का प्रोग्राम बनाया जाएगा। लेकिन ऑन द स्पॉट टाइम ये दो शख्सियत जो एक रजा खान भाई और एक इंटरव्यू वाला। अब ऐसी आप बताओ जब भी नहीं, मैं आपसे एक बात बताओ तो अमजद भाई से पूछ लो इसको सर। यार नहीं अमजद भाई, गुज़िश्ता 2 से 3 सालों से यही होता आ रहा है कि जब भी स्वाट टूर का प्रोग्राम बनता है इनकी वजह से हम रह जाते हैं। तो ये क्या रीजन है? पेनल्टी लगनी चाहिए इन लोगों पे। ये तो पेनल्टी आप चार्ज बताओ क्या चार्ज करें इस पे। नहीं ऐसा क्या क्या वजह होती है कि आप नहीं जाते फिर? दो दिन के बाद मैं जा रहा हूँ। हाँ बोलो रेडियो। 1 महीने बाद जा रहा हूँ बच्चों को लेने। इंशाल्लाह 4 महीने बाद। 4 महीने के बाद जाए 40 दिन के लिए इंशाल्लाह 3 साल बाद। नहीं 2019 में वो बकरा ईद के 14 दिन हम जा रहे थे, उसका क्या सीन हुआ वो भी रिकॉर्ड पे। और एक ये शख्स है वो पता नहीं टिकटॉक पे मशगूल है।